हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? मस्त हो? मजे कर रहे हो ला? तो एक और न्यू वीडियो लेके आ गया तुम्हारे भाई लकड़ी वाले के अंदर। गाइस ऑब्वियसली बात है, एक ही चीज डिस्कस करूंगा मैं यहाँ पे, इवो वॉलेट। इवो वॉलेट को अपने 5 डेज रह चुके हैं। सभी को पता है यार, अपना 29 रमजान थीम के ऊपर इवेंट स्टार्ट होने वाला है और इवो वॉलेट मिस कार 2.0 यहाँ पे नहीं देखने को मिले। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, हो भी सकता है यार। फ्री फायर क्या पता बोल दे कि भी रेडी नहीं है अभी तक, यहाँ पे कोई भी सर्वर पे तो आई नहीं है। बट यार यहाँ पे अपना जो है 1 से 2 दिन अगर ऐड होगी ना, 1 से 2 दिन पहले, तो डेफिनेटली यहाँ पे ईवो 2.0 कार देखने को मिलेगी। गाइज एट्रीब्यूट रहेंगे डबल यहाँ पे डैमेज और सिंगल रेट ऑफ फायर और गाइज मोमेंट स्पेंड माइनस। इसके अलावा किसी को पता नहीं हो यार, ईवो वॉलेट में हमेशा 2 चीजें रिपीट होती है जो कि गाइज आपकी लास्ट टाइम आई है। अब की बार कौन सी है? एक तो यहाँ पे आपको M4A1 जो देखने को मिल जाती है, ईवो गन, और उसके अलावा ईवो MP42.0 जो कि क्रोमा सोनिक। एंड ऑब्वियसली बात है, तुम सब बहुत नाराज होगे कि गाइस कोबरा MP40 आ नहीं रही है। कोबरा MP40 यार पीछे क्यों पड़े हो? मेरे को यार अभी तक ये समझ में नहीं आ रही। कोबरा MP40 के अंदर रीलोड फैक्टर भी माइनस है, रेट ऑफ फायर है डबल, यहाँ पे डैमेज है। ऑब्वियसली बात है, रीलोड फैक्टर की वजह से गाइस अगर आप इस गन को निकाल भी लोगे, अपग्रेड कर भी लोगे, तो मेरे को यहाँ पे लगता कि गाइस इससे अच्छी यहाँ पे ये जो क्रोमा सोनिक वाली है। पर यार ये तो मेरा ओपिनियन है। ऑब्वियसली बात है यार, एक और चीज यहाँ पे मैं बता देता हूँ। अभी देखो यहाँ पे मैं ये जो निकाला तो न्यू, बट यार इसकी डिटेल में एक चीज हाईलाइट जरूर करना चाहूंगा। आपका यहाँ पे एक कस्टम एबिलिटी यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये क्या करता है कि गाइस देख सकते हो, गाइस यहाँ पे आपका ओल्ड वाला और न्यू वाला दोनों का ही यहाँ पे अपग्रेड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यानी आप स्विच कर सकते हो कोबरा MP40 ओल्ड वाले के एट्रीब्यूट्स वगैरह। तो यार ये मतलब लुक जो है मेरे को काफी अच्छी लगी है, जो बात है फ्री फायर ने की है। क्वेश्चन ये है कि पुराने वाली होनी चाहिए या नहीं, वो मेरे को नहीं पता क्योंकि मैंने निकाली नहीं है ना ही अपग्रेड किया। अभी गाइस यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर वो नहीं आई तो क्या आएगी? तो यार तुमको अच्छा नहीं लगेगा। 2 गन रिप्लेस होएंगी, ऑब्वियस बात है, UMP और गाइस AN94। ऑब्वियस बात है यार, इतना ऑब्वियस क्यों कर रहा है? तो यहाँ पे ईवो गन के अंदर गाइस यहाँ पे आपको जो 2 गन देखने को मिलेगी, एक गाइस अपनी MP5 जो ये गाइस यहाँ पे लेवल 7 पे इस टाइप से देखने को मिलती है, ये अपने को देखने को मिलेगी। इसके अलावा गाइस एक और गन आएगी ना, तो सोचो, चलो ठीक है दिखा देता हूँ मैं, ये गन आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो 2 गन ये आपकी कंफर्म है, इनमें से 1 गन आ सकती है। देखो ध्यान से समझो, अगर स्कार 2.0 आई तो इनमें से दोनों में से 1 गन आएगी, और स्कार 2.0 नहीं आई तो ये दोनों के दोनों गन ईवो वॉलेट में अपनी जो ये MP40 और यहाँ पे M4A1 है ना, इनको छोड़ के 2 गन वो डाल दी जाएंगे। ठीक है, तो 4 गन होगी। एलिमिनेट कौन सी होगी? ये 2 गन UMP और AN94। तो डिटेल पसंद आई होगी, ऑब्वियस बात है यार, तुम्हारे भाई ने बता दिया। वीडियो को लाइक कर देना एंड न्यू आर सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन उसको ऑल पे सेट जरूर कर लेना। बाकी कौन कौन बंदा है जो कि यहाँ पे कोबरा MP40 निकाल के रखा है? एंड गाइज इसके अलावा ये मेरे को बताना, MP40 हर जगह MP40 ही हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है यार MP40 की स्किन कितनी आपके अकाउंट में, ये भी मेरे को बताइएगा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे 10 स्किन है, 10 में से 1-2 ही काम की है, और जो काम की है समझ नहीं सकते भाई, लिटरली ये है डबल रेट ऑफ फायर वाली। इसलिए मैं 2.0 को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और मैं इसको क्यों चलाता हूँ? क्योंकि इसमें एनिमेशन या अपग्रेड मैंने किया, ऑब्वियस बात है यार, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मैंने इसमें अनलॉक किया, इसलिए यहाँ पे मैं इसको लगा के रखता हूँ। बाकी यार चलाने में तो क्या ही बोले, मज़ा भी आता कभी कभार गंदी रिकॉइल भी होती है, और मैगजीन तो मतलब बहुत ही कम है। तो गाइज ओवरऑल यहाँ पे मैंने बता दिया, मिलते गाइज नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, लव यू गाइज।